हाय गाइस, कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और खुश होंगे हमेशा की तरह। तो आज हम चैलेंज करने वाले हैं, 5 सेकंड क्वेश्चन चैलेंज है। उसमें ऐसा है कि मेरी दो फ्रेंड्स से उसने क्वेश्चन लिखे और उसके आंसर मेरे को 5 सेकंड में देने हैं। तो मेरे को मैं देखूंगी बाद में कि मेरे कितने आंसर सही है और कितने गलत है, और मेरे को 5 सेकंड में आंसर देने हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी मैं अपनी फ्रेंड को बोल रहती हूँ कि वो टाइमर लगा दे, और मैं इस देख सकते हो इसमें हमने क्वेश्चन लिखे, इतना डब्बा तो अच्छा नहीं है, उसको इग्नोर मान लिया। और अभी मैं फर्स्ट ले रही हूँ चिट्ठी, तो मैंने ये चिट्ठी ली है। अब मैं जो इसमें पढ़ूंगी, फिर मेरी फ्रेंड टाइमर रखेंगी, तो 5 सेकंड में हमको आंसर देना है। तो चलो मैं पहला है वो खोल रही हूँ। तो इसमें गुजराती में लिखा है क्योंकि मेरी फ्रेंड्स ने गुजराती में लिखा है, तो मैं एक बार गुजराती में पढ़ लूंगी, देन फिर मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके ट्रांसफॉर्म करके बोलूंगी। तारा गाम बता थी बदु गाड़ी कोनी कने छे। तो इसमें ऐसा लिखा है कि हमारे गांव में ज्यादा से ज्यादा गाड़ी किसके पास है। तो टाइमर हो गया स्टार्ट। तो आई थिंक मेरी फ्रेंड है, उसके पास है। मेरे को इतना गांव वाला, गांव में किसके तुम्हारे, मैंने उसके उसके आंसर लिखा है कि उसके पास ज्यादा है। आपके पास ज्यादा है गांव में, तो कौन है मेरे को मुंबई ना? वाले के पास लेकिन गांव में आपने ऐसा नहीं लिखा है ना कि मुंबई वालों के पास नहीं, ये तो नहीं चलता ना। जो गांव में रहते उसके पास है या नहीं, वो आपको इसमें लिखना पड़ता है। तो ये तो मेरा यहाँ स्किप करना, कौन स्किप करना नहीं रखूंगी, लेकिन नहीं। ये गलत हुआ ना, तो मेरा ये गलत में जाएगा। ठीक है, मेरा गलत है। अब आपको इसमें ठीक है, अब दूसरा दूसरी चिट्ठी मैं ले रही हूँ, तो मैंने ये ले रखी है। अब मैं कोई पण 10 क्या है रेड वस्तु के नाम, तो कोई भी रेड कोई भी चीज होती है रेड कलर की, उसके नाम कितने बोले हैं? 10 10 नाम 5 सेकंड में कौन लेता है? बना रहे हूँ ना करके। ये 10 लिखे इसमें, लेकिन मैं 5 नाम दूंगी। तो रेड चीज के नाम, रेड टॉप, रेड जींस, रेड हेयरबैंड, रेड हुडी एंड रेड विक्की। तो हो गए, मैं इसमें जीत गई हूँ। हमने बोला है 10 रखे थे ने, मजा आ गई, बोल रखा है जू ओ और ही ए तो ने वीडियो रखे गुजराती में नहीं ना क्या? बोला है कभी। चल बोलो ना मजा है, मजा आवे तने हजी अरे खबर गाऊ ही तो नथी, गुजराती में ना बोला भले कभी, बोल है मजा आवे। डायरेक्टली ठीक है, मैं मार कर ये मतलब रिकॉर्ड रही है। तो गाइस अब थर्ड चिट की बारी है, तो मैंने ये थर्ड वाली ले ली है। मैं आपको डायरेक्ट हिंदी में ही बताऊंगी ठीक है आंसर। इसमें लिखा है जो दाड़म होते हैं ना उसके फूल, अनार 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 जो अनार बोलते हैं, अनार के फूल के ना घना आया। इसमें ऐसा लिखा है हमारे यहाँ सारे खेती करते हैं, तो उसने ऐसा लिखा है कि अनार के फूल किसके पाक में ज्यादा आए। तो वो मेरे को कैसे बताओ, कभी तो जाती ही नहीं और हमारी बाड़ी भी नहीं है, तो मैं क्या बताऊँ। मेरे को आई थिंक मैं कोई भी गेस कर सकती हूँ, तो मैं इसमें हार गई। मैंने पहले बोला था, स्टॉप हो गया। 5 सेकंड में कैसे बताऊ, मैं भी जाती भी नहीं हूँ इसमें। गलत आपको पता है कौन किसके पास है? शायद कबड्डी हमको नहीं मालूम है, लेकिन लिखा है तो मैंने बोल दिया। अब फोर्थ, तो फोर्थ ये वाली चिट्ठी है, तो मैं इसमें ऐसा लिखा है कि कोई भी 5 हमारे यहाँ गुजराती मूवी हो, मूवी के नाम बताने मेरे को 5। तो एक है यार, मेरे को नाम है छेलो दिवस। सोम सोम मेरे को एज इधर तक थे लेकिन बाहर नहीं आ रहे थे, क्योंकि 5 सेकंड में नाम देना बहुत डिफिकल्ट हो रखा है। मैं अभी बोल रही हूँ, एक है छेलो दिवस, फिर कॉलेज 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 बस मेरा बस। मेरे को इतने नहीं आते यार, नहीं चाल जीवी मैंने चाल जीव रही घोड़ के लिए, अब मेरे को सब याद आ रहे हैं, लेकिन ठीक है चलो। इसमें भी मेरे को मेरे दो सही हुए ना, दो नहीं एक ही सही हुआ है, नहीं तीन गलत हुए।
अब पांचवे नंबर की बारी पे, तो इसमें क्या लिखा है? मैं बालपन में सबसे ज्यादा किस किस के साथ खेली हूँ? तो मैं बचपन में मेरे यही सारे फ्रेंड के साथ ज्यादा खेली हूँ। मैं बता दिया आप सबके साथ ही मैं खेली होंगी ना बचपन में। नेम बतानी नेम चाहिए इसमें लिखा भी नहीं है किसी किसी ने। सबके साथ। तो तुम कितनों के साथ खेली? मैं सब लोगों के साथ खेली हूँ। इधर हमारे गांव में तो सब एक मोहल्ला जैसा ही है, तो मैं सबके साथ खेली हूँ। ये इस साइड आएगा, ठीक है? मेरे दो सही और तीन गलत है। अब इसकी बारी है। इसमें ये सिक्स नंबर की है। तो इसमें ऐसा है, स्कूल लाइफ में क्या बोला है? स्कूल लाइफ में सबसे ज्यादा शर्मजनक इसमें ऐसा पूछा है कि स्कूल लाइफ में आपको ऐसी शर्मजनक बात, कि मैं क्या बोलूँ सर, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है। टॉप। मैं इसमें कुछ जवाब नहीं दे सकती क्योंकि ऐसी कोई बात मेरे को सूझी नहीं है। एक है वो मैं इसमें नहीं बोल सकती एक बात है वो मैं आप सबको नहीं बता सकती मेरी बैंक क्या बेस्ट फ्रेंड लिखा है क्या कपड़ा? अच्छा इसमें लिखा है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड को कौन से ज्यादा कपड़े पहनती है, मीन्स वेस्टर्न या इंडियन, ऐसा ना? तो मेरी बेस्ट फ्रेंड वेस्टर्न ही ज्यादा पहनती है। सही है ना? वेस्टर्न ही पहनती है। मैंने ये इसलिए सही बोला है। 5 सेकंड आप लोगों को ऐसा लग रहा है इतने इतने में 5 सेकंड हो जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं मेरी फ्रेंड बोल रही है मेरे को स्टॉप करा रही है, तो मैं कर देती हूँ। नहीं आता तो मैं आंसर भी नहीं दे रही हूँ। अब इसकी बारी है। इसमें ऐसा लिखा है, गौ माथी 5 फुट नेम। अच्छा फल के नेम देने हैं 5, और वो भी पहले अक्षर मीन्स क से स्टार्ट होते हैं वो। तो फ्रूट के नेम क्या होते हैं 5? काजू। काजू फ्रूट में नहीं आता। 5 सेकंड में कौन बता सकता है? वो भी अक्षर दिया हुआ है कि क से स्टार्ट कीजिए। ये कौन सा नया चैलेंज क्या पूछा है? मैं तो हार ही गई हूँ करने के बोले। क से कौन से फ्रूट स्टार्ट होते हैं आपको पता है? कौन से? खुद को भी नहीं पता है लेकिन लिख दिया। क से कौन से फ्रूट का नाम होता है? मेरे को भी नहीं पता है। मुझे दूसरे नंबर और मेरी दूसरी फ्रेंड है, उसने बोला था कि कौन से कौन से फ्रूट का नाम होता है स्टार्ट। आप बताओ। कमलम ऐसा कोई फ्रूट नहीं। भाई कौन सा? ड्रैगन फ्रूट उसे कमलम पलम पलम कहते हैं। जो भी कहते हैं मेरे को नहीं पता है। और आपको इधर कहानी क्या बता रही है? इग्नोर मारिए। और मेरे को नहीं पता, तो मेरे को नहीं मालूम था कोई भी कौन से फ्रूट के नेम मेरी फ्रेंड ने लिखा। तो इसमें भी मैं पूरी तरह से हार चुकी हूँ। मेरे को तो ऐसा लग रहा है मैं ये चैलेंज ही आ जाऊंगी ये अबे वाला भी लास्ट तुमने तुमको नहीं आने वाला है। ये लास्ट है मेरे को। आई डोंट नो आएगा या नहीं। हमारे गांव में दाड़म कौन था यार? इसके हमारे गांव में क्या बोलते हैं दाड़म को? अनार। अनार। यस अनार। किसके ज्यादा हुए? मैं खेती नहीं करती हूँ, मेरे को ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं? मेरे को नहीं पता किसके ज्यादा हुए। आई थिंक हमारे गांव में रीति करके उसके हुए। यस ये मेरे को आंसर आई डी टी। यस यस आई डी टी। यस इसका आंसर मैंने दे दिया 5 सेकंड में। तो अब हम देखते हैं कि मेरे गलत ही ज्यादा हुए मेरे को ऐसा लगा, लेकिन गिन लेते। 1 2 3 4 देन 5। ये 5 है गलत। और इसके ये कितने? 1 2 3 एंड 4। 1 से हार गई मैं। ठीक है गाइस, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट भी करना, ठीक है? तो चलो बाय। और मैं ऐसे ही वीडियोस लेके आती रहूंगी। तो टेक केयर एंड बाय।